Assalamu alaikum. I am Kanza Bakht from University of Chakwal Department of Zoology. I am going to represent the topic of snapper fish. Even wondered how snappers got their name. Its name comes from the sharp snapping sound they produce with their powerful jaws. Snappers are known for their strong bite, and when they close their mouth rapidly, it creates an audible snap. ये हमारे पास फैमिली लुरजेनिडी से बिलोंग करती है और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा अगर हम इसको बॉडी वाइज देखें तो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, लार्ज आइज है एंड शार्प कैनाइन टीथ। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन मैरीन इकोसिस्टम एज प्रीडेटर एंड प्रे। साइज वाइज ये हमारे पास वेरी करती है। अगर हम इसका लेंथ देखें तो 3 फीट एंड वेट 50 पाउंड्स तक होता है। देन वी डिस्कस अबाउट टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। किंग डोमेन यूक्रियोटा, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम क्वाडेटा, क्लास एक्टिनोपिटेरिजाए, ऑर्डर पर्सिफॉर्म्स, फैमिली लुरजेनिडी, जीनस लुरजेनस एंड स्पीशी एल कैम्पिकेनस। देन वी डिस्कस अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसमें ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन है, कोरल लीफ एंड कोस्टल हैबिटेट्स हैं और डेप्थ वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है। अगर हम ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन को डिस्कस करें, उसमें अगर हम इंडो पैसिफिक रीजन को देखें तो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर ये कोरल ट्राइंगल, ग्रेट बैरियर रीफ और आइलेट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर हम वेस्टर्न अटलांटिक रीजन को देखें तो उसमें ये कैरिबियन सी, गोल्फ ऑफ मेक्सिको, कोस्ट लाइन ऑफ सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में प्रेजेंट होती है। सेकंड है हमारे पास कोरल लीफ एंड कोस्टल हैबिटेट। कोरल रीफ इकोसिस्टम में हमारे पास कोरल लीफ, रॉकी सबस्ट्रेट और मैंग्रोव एरियाज आते हैं, जबकि कोस्टल हैबिटेट के अंदर लैगूनस, एस्टुरीज एंड सी ग्रास बेड्स आते हैं। डेप्थ रेंज जो हमारे पास स्नैपर फिश की बहुत सी स्पीशीज हैं, ये हमारे पास शैलो वाटर डेप्थ के अंदर रहती हैं और वो भी इन डेप्थ वाइज ये वेरी करती हैं। इनकी जो डेप्थ रेंज होती है ये वेरी कर रही होती है इनके फूड हैबिटेट के अकॉर्डिंग, इनके रिप्रोडक्शन साइकिल के अकॉर्डिंग इसकी डेप्थ रेंज वेरी करती है। जो कई होती हैं वो हमारे पास 10 to 100 meters तक रहती हैं डेप्थ में प्रेजेंट होंगी, और कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो कि ऑफ शोर इन्वायरमेंट में रहती हैं और उनकी जो हमारे पास डेप्थ रेंज होती है वो एक्सीड कर जाती है 200 meters से। अगर हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें, इम्पोर्टेंस ऑफ स्नैपर फिश में सबसे पहले तो ये कमर्शियल और रिक्रिएशनल फिशरीज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है स्नैपर फिश। कमर्शियल और रिक्रिएशनल फिशरीज के अंदर ये कैसे इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे पास हाईली प्राइज्ड है और इसके अलावा कमर्शियल में इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और बहुत टेस्टी होती है ये, और रिक्रिएशनल फिशरीज में ये जो फिशरमैन होते हैं स्पोर्टिंग क्वालिटीज के लिए वो यूज़ करते हैं और पूरी दुनिया के अंदर जो है ना वो इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये इको सिस्टम बैलेंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं, रोल प्ले करती हैं। जिस तरीके से एज अ प्रेडेटर जो स्नैपर फिश होती हैं वो क्या करती हैं कि जो प्रे एक स्पीशी की पॉपुलेशन होती है उसको रेगुलेट करवाने में हेल्प करवाती हैं, और मैरीन इको सिस्टम के अंदर जो हमारे पास इकोलॉजिकल बैलेंस होता है उसको भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करवाती हैं। बायोडाइवर्सिटी और फूड वेब डायनामिक्स में हमारे पास क्या होता है कि स्नैपर फिश प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बायोडाइवर्सिटी एंड फूड वेब डायनामिक्स। दे सर्व एज प्रे फॉर लार्ज प्रीडेटर एंड हेल्प टू सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी बाय ऑक्यूपाइंग वेरियस नीड्स विद इन मैरीन हैबिटेट। देन वी डिस्कस अबाउट टूरिज्म एंड रिक्रिएशन। स्नैपर फिश कॉन्ट्रीब्यूट टू द अट्रैक्टिवनेस ऑफ मैरीन इन्वायरमेंट फॉर टूरिज्म एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज सच एज स्नोर्कलिंग, डाइविंग एंड वाइल्ड लाइफ वॉचिंग। यूनिक फैक्ट्स ऑफ स्नैपर फिश। इसमें जो पहला यूनिक फैक्ट्स है वो है लॉन्गिविटी। इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि ये लॉन्गिविटी मतलब लॉन्ग लाइफ स्पेन। जो हमारे पास स्नैपर फिश होती हैं इनका दूसरी फिशेज के नस्बत जो लॉन्ग लाइफ स्पेन होता है वो लंबा होता है, और इनका जो लॉन्गिविटी है ये हमारे पास मैरीन इको सिस्टम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये जो हमारे पास उसकी इको सिस्टम की स्टेबिलिटी और रेजिलियंस होती है उसको मेनटेन करवाती है। बहुत सी स्नैपर फिशेज होती हैं जिनका लाइफ स्पेन जो है वो लंबा होगा, ये कई सालों तक जिंदा रहती हैं, लेकिन इनका लाइफ स्पेन भी हमारे पास डिपेंड कर रहा होता है उसकी स्पीशीज पे, उसके हैबिटेट पे, इसके अलावा जो उसकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं उन पे। सेकंड आता है हमारे पास सोशल बिहेवियर। ये हमारे पास वो फिश की स्पीशीज हैं जो कि सोशल बिहेवियर का फिनोमेना जो है ना वो एग्जिबिट करवाती हैं, शो करवाएंगी। उसमें दो होते हैं, एक होता है स्कूलिंग बिहेवियर, दूसरा है कोऑपरेटिव हंटिंग। स्कूलिंग बिहेवियर इसको अलाउ करवाता है कि ये जो अपनी इसकी फॉरेगिंग एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करवाए। इसके अलावा जो इसको प्रीडेशन का रिस्क होता है कि प्रीडेटर इस पर अटैक कर देगा, उस रिस्क को कम करवाता है स्कूलिंग बिहेवियर।
दूसरा है हमारे पास कोऑपरेटिव हंटिंग। कोऑपरेटिव हंटिंग मतलब कि ये जैसे ही इन्होंने अटैक करना होता है किसी भी प्रे पे या कोई चीज़ जो इन पे अटैक आ रही हो, तो ये आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं सारी स्नैपर फिशेस, देन जाकर ये उस पर अटैक करती हैं। इस तरीके से ये सोशल बिहेवियर का फिनोमेना भी शो करवाती हैं। देन हमारे पास मोर देन 1 मिलियन रेसिपीज, इसकी अभी तक हमारे पास एक से ज़्यादा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और मोर देन 1 मिलियन रेसिपीज जो है वो इसकी ऑनलाइन अवेलेबल है। देन है प्रोटोगाइनस हर्माफ्रोडाइटिज्म, मीन्स दे स्टार्ट देयर लाइफ एज फीमेल एंड ट्रांजिशन इन टू मेल एज दे ग्रो ओल्डर एंड लार्जर। अब ये अपनी क्या करती हैं, सबसे पहले कि फीमेल से इनकी जो जिंदगी होती है वो स्टार्ट होगी, लेटर ऑन मेल के अंदर जो है ना वो ये हो जाती कन्वर्ट होती हैं। और ये जो इसका फिनोमेना है, ये इसकी जो सेक्स रेशियो है उसको बैलेंस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन है कलवेशन एंड कैमोफ्लेज। कलवेशन एंड कैमोफ्लेज मतलब कि अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ये फिश, इसके पास इतनी एबिलिटी होती है कि ये अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपना कलर पैटर्न चेंज कर लेती हैं। उसमें एग्जांपल है हमारे पास रेड स्नैपर की, वो जब कोरल लीफ इकोसिस्टम में रह रही होती है तो वहाँ पे वो क्या करती है कि जब उसे खतरा होता है कि कोई प्रे उस पर अटैक करने वाला है तो वो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने कलर को चेंज कर लेती है। इसी तरह इसके आगे टाइप्स हैं फिशेस की, उनमें भी आती है रेड स्नैपर और येलो टेल स्नैपर के, वो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने कलर पैटर्न को चेंज कर लेंगी और इस तरीके से प्रे उस पर अटैक नहीं कर सकता। इसका एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये अपनी रिप्रोडक्शन 2 साल बाद शुरू करती है। जब ये थोड़ी बड़ी हो जाती हैं 2 साल बाद से अपनी रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगी और इनका जो स्पॉनिंग टाइम है वो मई से लेके अक्टूबर तक है। इसके अलावा इसकी एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट भी, यूनिक फैक्ट है कि स्पोर्ट्स फिशरमैन लव टू परस्यू देम। इन 2011 3.1 मिलियन रिक्रिएशनल एंजल्स टुक मोर देन 22 मिलियन फिशिंग ट्रिप्स इन द गल्फ ऑफ मेक्सिको टारगेटिंग रेड स्नैपर एंड अदर स्पीशीज। एक इसका एक और यूनिक फैक्ट है कि जो इकोनॉमिकली रेड स्नैपर आर अमंग द मोस्ट वैल्यूएबल फिश इन द गल्फ। इन 2011 द कमर्शियल फिशरमैन फ्रॉम द 5 गल्फ स्टेट्स लैंडेड मोर देन 3.2 मिलियन पाउंड्स ऑफ रेड स्नैपर सोल डॉक साइड फॉर $11.5 मिलियन। देन वी डिस्कस अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ स्नैपर फिश। इसमें सबसे पहले हमारे पास बॉडी साइज, इसकी जो बॉडी है वो स्लीक होती है, टॉर्पीडो शेप बॉडी डाटा लेटरली कंप्रेस। लेटरली कंप्रेस मीनिंग दैट दे आर फ्लैटन फ्रॉम साइड टू साइड। इसकी ये जो बॉडी है ये इसको अलाउ करवाती है जब ये रीफ हैबिटेट के अंदर मूव करती है तो वो इजीली वहाँ पे उसको नेविगेट करवाएगी। इसके अलावा जो स्ट्रीम लाइन बॉडी है वो इसको वाटर में ड्रैग जो होती है उसको रिड्यूस करवा देती है। स्नैपर फिश का जो साइज़ है वो वेरी करता है, स्मॉलर फिशेज जो होती हैं वो फ्यू इंचज़ की होंगी और जो लार्जर फिशेज होती हैं वो सेवरल फीट इन लेंथ होती हैं। एग्जाम्पल इसमें आती है रेड स्नैपर की, जो रेड स्नैपर है वो लेंथ में 40 इंच की होती है और मैंग्रोव रेड स्नैपर 47 इंच की होती है। देन इसका जो दूसरी मॉर्फोलॉजी है वो है जॉज एंड टीथ। जो स्नैपर फिश है उसमें रोबस्ट जॉज होते हैं, शॉर्प टीथ होंगे इसके, ताकि ये इजीली अपने प्रे को कैप्चर कर सके, कंज्यूम कर सके। इसका माउथ टिपिकली टर्मिनल होता है, मींस दैट दे आर लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ हेड। अब जाहिर है जब इसका माउथ इन फ्रंट ऑफ हेड प्रेजेंट है तो वो एफिशिएंटली प्रे को देख सकेगा और आसानी से जो प्रे है उसको कैप्चर कर लेगा। जो स्नैपर टीथ होते हैं वो साइज और शेप में डिपेंड कर वेरी करते रहते हैं और ये जो इसकी वेरीनेस है ये डिपेंड कर रही होती है उसकी डाइट पे और उसकी फीडिंग हैबिट्स पे। अब जाहिर बात है कि अगर उसकी डाइट और फीडिंग हैबिट थोड़ी सख्त है तो जो इसके टीथ होंगे वो उसी के अकॉर्डिंग होंगे। देन हमारे पास है कार्निवोरस स्नैपर फिश और ओमनीवोरस स्नैपर फिश। कार्निवोरस स्नैपर फिश की टीथ जो है वो कॉनिकल टीथ होंगे ग्रास्पिंग और कैप्चरिंग प्रे के लिए, और ओमनीवोरस जो हमारे पास स्नैपर फिश है उसके फ्लैटन टीथ होंगे फॉर क्रशिंग शेल और ग्राइंडिंग प्लांट मटीरियल। देन है फिन्स एंड स्केल। सेवरल फिन्स होते हैं जो कि लोकोमोशन और स्टेबिलिटी के अंदर हेल्प करते हैं। 2 डोर्सल फिन्स हैं, 1 नियर द हेड एंड अदर क्लोजर टू द टेल अलॉन्ग विद एनल पिक्टोरल एंड पेल्विक फिन। दे आर कवर्ड इन ओवरलैपिंग स्केल। अब जब ये ओवर ये जो फिन्स होती हैं स्नैपर फिन्स के स्केल्स होते हैं ये ओवरलैप किए हुए होते हैं और इसको एब्रेशन प्रीडेटर और पैथोजिन से प्रोटेक्ट करवाते हैं। देन वी डिस्कस अबाउट बिहेवियर ऑफ स्नैपर फिश। स्नैपर फिश 2 तरह के बिहेवियर शो करवाती है, एक होता है माइग्रेटरी बिहेवियर, एक होता है पेरेंटल बिहेवियर। जो होता है माइग्रेटरी बिहेवियर उसमें फर्दर हमारे पास आता है माइग्रेटरी बिहेवियर मतलब कि वो अपने इन्वायरमेंटल क्ल्यूज या लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग डिफरेंट हैबिटेट्स रीजन के अंदर क्या करवाती हैं, माइग्रेट करती हैं स्नैपर फिशेस। अब वो 3 तरह की उसके अंदर हमारे पास आ सकते हैं, वन सीजनल माइग्रेशन भी हो सकती है, रिप्रोडक्टिव माइग्रेशंस भी हो सकती हैं, वर्टिकल माइग्रेशंस भी हो सकती हैं।
जो सीजनल माइग्रेशंस हैं उनमें क्या होता है कि वो अपने वाटर टेम्परेचर, फूड अवेलेबिलिटी और स्पॉनिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर मूव करेंगी और स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर मूव करती हैं। साल में कोई एक आध बार या अपने वो जैसे उनको नीड होती है उसके अकॉर्डिंग। देन होता है हमारे पास रिप्रोडक्टिव माइग्रेशन। रिप्रोडक्टिव माइग्रेशन के वो अपने एग और स्पर्म को वाटर कॉलम के अंदर रिलीज करने के लिए स्पेसिफिक स्पॉनिंग ग्राउंड या एग्रीगेशन साइट्स में माइग्रेट करती हैं। अब ये जो हमारे पास स्पॉनिंग एग्रीगेशन या स्पॉनिंग साइट्स होती हैं, ये हमारे पास कोस्टल एरियाज, रीफ्स या ऑफ शोर बैंक्स में प्रेजेंट होती हैं, जहाँ पे ये लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल गैदर होकर रिप्रोड्यूस होते हैं। और इसके अलावा ये स्पॉनिंग साइट्स इसलिए होती हैं ताकि ये अपने लाइकलीहुड जो सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन है वो वहाँ पर प्रोसेस उसका इंक्रीज हो सके। देन है वर्टिकल माइग्रेशन। सम स्नैपर फिशेज एग्जिबिट वर्टिकल माइग्रेशन मूविंग बिटवीन डिफरेंट डेप्थ्स विद इन वाटर कॉलम इन रेस्पॉन्स टू टाइडल और सीजनल चेंजेस इन लाइट टेम्परेचर और प्रे डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड बिहेवियर इज पेरेंटल बिहेवियर। अब इस पेरेंटल बिहेवियर इसके नाम से जाहिर है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने ऑफ स्प्रिंग की केयर करते हैं, उनके प्रोटेक्शन करते हैं। उसमें डिफरेंट पैटर्न आते हैं, गार्डिंग, नेस्ट बिल्डिंग, फीडिंग एंड प्रोविजनिंग, ब्रूड केयर। गार्डिंग में वो क्या करते हैं कि जो अडल्ट स्नैपर होते हैं वो एक्टिवली अपने नेस्ट और स्पॉनिंग साइट को हिफाजत करते हैं। अपने जो एग्स उन लोगों ने लार्वी वहाँ पे उन लोगों ने दिए हुए होते हैं तो वो क्या करते हैं, उनको डिफेंड करवाते हैं ताकि कोई भी प्रीडेटर या कंपिटिटर वहाँ पे उन पे अटैक ना कर सके। देन है नेस्ट बिल्डिंग। नेस्ट बिल्डिंग में क्या होता है कि जो कुछ स्नैपर फिशेज हैं वो नेस्ट या शेल्टर्स जो है ना वो कंस्ट्रक्ट करवाती हैं अपने एग और लार्वी के लिए, ताकि वो अपने जो डेवलपमेंट है या जो उनका ऑफ स्प्रिंग निकले हैं उसको सेफ और सूटेबल इन्वायरमेंट जो है ना वो दे सकें। अब ये जो इन्वायरमेंट नेस्ट बिल्ड करती हैं ये वो हमारे पास सैंड, रबल या वेजिटेशन किसी भी मटीरियल से बना सकती हैं। देन आता है फीडिंग और प्रोविजनिंग। फीडिंग और प्रोविजनिंग में वो क्या करती हैं कि जो स्नैपर पेरेंट्स होते हैं वो अपने ऑफ स्प्रिंग को अर्ली डेवलपमेंट के अंदर फूड और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, जिसके रिजल्ट में जो उनका ग्रोथ और सर्वाइवल रेट होता है वो बढ़ जाता है। देन है हमारे पास ब्रूड केयर। ब्रूड केयर में मेल और फीमेल दोनों जो है ना वो अपने पेरेंटल केयर की ड्यूटीज परफॉर्म करवाते हैं और वो क्या करवाते हैं कि गार्डिंग, फीडिंग, क्लीनिंग द ऑफ स्प्रिंग। इसके अलावा ये जो अब सारे हम लोगों ने पेरेंटल बिहेवियर किया है या पिछला था, ये इसलिए किया जाता है ताकि वो प्रेडेटर से या किसी भी जो हमारे पास प्रे है उससे प्रोटेक्ट करवा सके। देन टाइप्स ऑफ स्नैपर फिश। टाइप्स ऑफ स्नैपर फिश में इसकी पहली टाइप है रेड स्नैपर। रेड स्नैपर का साइंटिफिक नेम है लुटजेनस कैम्पिकेनस। ये हमारे पास हाईली प्राइज्ड है और इसके अलावा अगर हम इसकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसमें हमारे पास जिस रेड कलरेशन होती है ऑन द अपर बॉडी साइड्स एंड फेडिंग टू लाइटर पिंक और वाइट टू ऑन द लोअर पोर्शन ऑफ देयर बॉडी। स्ट्रीम लाइट एलोंगेटेड बॉडी होती है। इसके अलावा इस पे जो फिन्स होते हैं वो और ऑफन एज्ड इन ब्लैक। अगर हम लेंथ वाइज देखें तो 14 इंचेस की लेंथ होती है, वेट 50 पाउंड्स तक होता है और स्मॉलर जो स्पीशीज है वो इसकी ज़्यादा देखी गई है। हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन में देखा जाए तो ये हमारे पास 30 to 300 feet डेप्थ तक प्रेजेंट होती हैं, कॉमनली देखी गई हैं। और इसके अलावा ये हमारे पास गोल्फ ऑफ मैक्सिको, एटलांटिक कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, नॉर्थ कैलिफोर्निया टू फ्लोरिडा के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा अगर इसके क्यूलिनरी यूज की बात करें तो ये हमारे पास हाईली प्राइज्ड है। इसके फिर्म टेक्सचर, माइल्ड फ्लेवर और वर्सटाइल इन कुकिंग की वजह से हम इस फिश को बेकिंग, ग्रिलिंग, फ्राइंग, स्ट्रीम किसी तरीके से भी पका सकते हैं। इसकी जो पॉपुलर डिशेज हैं रेड स्नैपर फिश की, उसमें आता है ग्रिल स्नैपर विद सिट्रस सालसा, स्नैपर सेविची एंड स्नैपर इन पेपुलेट। देन इसकी सेकेंड टाइप है मैंग्रोव स्नैपर। मैंग्रोव स्नैपर का साइंटिफिक नाम है लुटजेनस ग्राइसियस। ये हमारे पास वेस्टर्न अटलांटिक ओशन के अंदर प्रेजेंट होती है। अगर हम इसकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक को देखें तो ये हमारे पास रेडिश ब्राउन टू ग्रेश ब्रून विद अ प्रोमिनेंट ब्लैक लेटरल लाइन रनिंग फ्रॉम गिल कवर टू द टेल। इसकी जो टेल होती है वो फॉर्क टेल होती है और पॉइंटेड स्नाउट होता है। फिन्स आर टिपिकली येलो और रेडिश। जब ये जुवेनाइल स्टेज पे होते हैं तो इसकी जो बिलो डॉर्सल साइड होती है उस पर एक डार्क स्पॉट प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे ही ये मैच्योर स्टेज पे जाते हैं तो वो जो डार्क स्पॉट होता है वो खत्म हो जाता है। लेंथ वाइज ये 24 इंच की होती हैं और वे वाइज 10 पाउंड्स की होती हैं और जो इसकी लार्जर इंडिविजुअल हैं वो लेस कॉमन है। हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन में देखें तो ये मैंग्रोव हैबिटेट्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, कोरल एनवायरमेंट के अंदर, रॉकी आउटक्रॉप, सी ग्रीस बेड्स के अंदर
डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो ये वेस्टर्न अटलांटिक रीजन्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, ब्राज़ील, गुल्फ ऑफ मेक्सिको, कैरेबियन सी एंड साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। और इसकी जो हमारे पास पॉपुलर डिशेज़ है उसमें हमारे पास आता है ग्रिल स्नैपर विद मैंगो सालसा, स्नैपर टैकोस एंड स्नैपर वर्क्यूरस स्टाइल। देन वी डिस्कस अबाउट थर्ड टाइप, दैट इज लैंड स्नैपर। लैंड स्नैपर का साइंटिफिक नाम है ल्यूटजेनस सियानग्रिस। अगर हम इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो ये हमारे पास रेडिश पिंक टू ऑरेंज बॉडी विथ प्रोमिनेंट येलो स्ट्रिप्स रनिंग हॉरिजेंटली अलॉन्ग देयर साइड्स, पॉइंटेड स्नाउट होती है, लार्ज आईज एंड डीपली फॉर्क टेल। इसकी भी जब जुवेनाइल स्टेज होती है तो उसमें ब्लॉक्स ब्लैक कलर का स्पॉट्स जो है वो इसकी डॉर्सल फिन की बेस पे प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे ये एडल्ट स्टेज पे जाती है वो ख़त्म हो जाता है। अगर हम इसकी इंच लेंथ वाइज देखें तो 18 इंचज की होती है और वे वाइज 3 पॉन्ड्स की होती है। अगर हम इसके हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये कोस्टल हैबिटेट्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, कोरल लीफ, सी ग्रास बैट्स और इनके अंदर, और इसके अलावा वेस्टर्न अटलांटिक, गुल्फ ऑफ मेक्सिको, कैरिबियन सी, साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो प्रेजेंट होती हैं। इसकी जो पॉपुलर डिशेज हैं उनमें हमारे पास स्नैपर सैविची, स्नैपर टैकोस, स्नैपर विथ लेमन बटर सॉस और भी इसकी बहुत सी डिशेज हैं। नेक्स्ट इसकी टाइप है येलो टेल स्नैपर। इसके नाम से जाहिर है कि इस फिश का नाम येलो टेल इसलिए रखा गया क्योंकि जो इसकी टेल है वो येलो कलर की है। अगर हम इसके साइंटिफिक नेम को देखें तो इसका साइंटिफिक नेम है ओक्योरस कैरिस्योरस। इसकी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है वो येलो टेल स्नैपर की सिल्वरी बॉडी होती है विद अ येलो स्ट्रिप रनिंग हॉरिजेंटली अलॉन्ग देयर साइड एक्सटेंडिंग फ्रॉम नोज टू टेल। इसमें डीपली फॉर्क टेल होती है, लार्ज आईज है एंड पॉइंटेड स्नाउट। इसमें भी जब जुवेनाइल स्टेज जो होती है उसमें डार्क स्पॉट्स इसके बॉडीज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योर स्टेज पे जाते हैं तो इसके जो डार्क स्पॉट्स होते हैं वो इसकी बॉडी से ख़त्म हो जाते हैं। लेंथ वाइज 24 इंच की है और वेट वाइज 5 पाउंड्स की है, और इसकी भी लेस स्पीशीज अनकॉमन है, जो लार्ज साइज स्पीशीज होती हैं वो इसकी अनकॉमन है। हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन में देखें तो कोस्टल रीफ के अंदर ये प्रेजेंट होती है, 200 फीट डेप्थ तक ये प्रेजेंट हो सकती है हमारे पास। इसके अलावा एटलांटिक रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है, कैरिबियन सीज, बर्मेटा, गुल्फ ऑफ मेक्सिको। जो इसकी पॉपुलर हमारे पास फिश स्पीशीज हैं वो आती है हमारे पास ग्रिल्ड स्नैपर विद पाइन एप्पल सालसा, स्नैपर सैविची एंड स्नैपर विद सिट्रस बटर सॉस। नेक्स्ट इसकी टाइप है बटन स्नैप। मटन स्नैपर का जो साइंटिफिक नाम है वो है ल्यूटजेनस एनालिस। इसकी अगर हम फिजिकल करेक्टरिस्टिक की बात करें, दे हैव रेडिश ब्राउन टू पिंकिश बॉडी विद अ प्रोमिनेंट डार्क स्पॉट्स ऑन देयर साइड्स बिलो द डॉर्सल फिन, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, पॉइंटेड स्नाउट है और लार्ज और पावरफुल जॉज है। अगर हम इसकी लेंथ वाइज देखें तो 30 इंच की है और वे वाइज 20 पाउंड्स की है। हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन में देखें तो ये 30-300 फीट डेप्थ वाटर में प्रेजेंट होती हैं और गुल्फ ऑफ मेक्सिको, कैरेबियन सीज, बर्म्यूडा इन इलाकों में ये प्रेजेंट है। अगर हम इसकी फिशेज की बात करें, पॉपुलर डिशेज की बात करें तो मटन स्नैपर, ग्रिल स्नैपर विद हर्ब बटर, स्नैपर फिलियर्स, स्टफ विद क्रैब मीट एंड स्नैपर सैविची। डैट्स ऑल अबाउट माई टॉपिक। थैंक यू।